तो गाइस एक और बार फिर से निकिता और उसके पूरे ग्रुप में हो गई है अनबन आर्या को लेकर। तो जैसे कि हमने कल के एपिसोड में देखा कि आर्या निकिता की वजह से काफी रोने लगी थी, जिसके बाद फिर अरबाज, वैभव और अंकिता किचन में काम कर रहे थे, जिसके बाद आर्या वहाँ पर आ जाती है और अरबाज फिर उसके सामने से क्रॉस होकर चला जाता है। और ये सब चीजें जानवी और निकिता बेडरूम में से देख रहे थे, जिसके बाद फिर ये दोनों बात करते हैं कि आर्या हमारी दुश्मन होकर अरबाज उसके साथ बात कैसे कर सकता है। तभी वैभव वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर जानवी वैभव पे भड़क जाती है और कहती है, तुम्हारे वजह से हमने सारे घर वालों से झगड़े कर लिए हैं, तुम खुद हमारे दुश्मनों से बात कर रहे हो। जिस पर वैभव कहता है, यार अरबाज ने आर्या से बिल्कुल भी बात नहीं करी है, मैं वहाँ पर खड़ा था। जिसके बाद फिर अंकिता भी वहाँ पर आती है और वो भी कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अरबाज ने आर्या से बिल्कुल भी बात नहीं करी है, और अगर तुमको इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आर्या से कहूंगी कि तू अरबाज से बिल्कुल बात मत कर, क्योंकि निकिता और जानवी को इससे प्रॉब्लम होती है। जिसके बाद निकिता कहती है कि हमारे ग्रुप का मेंबर अगर हमारे दुश्मन से बात करेगा तो उससे हमको जलन तो होगी ना, और अरबाज को खुद आर्या से ये बात कहनी होगी कि वो मुझसे बात ना करे। और इसी बात को लेकर इन चारों के बीच में काफी किरकिरी हो जाती है। गाइस कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि निकिता और जानवी वैभव और अरबाज के ऊपर हावी हो जाती है और उनको काफी कुछ सुना देती है। पर अब देखना ये होगा कि वैभव और अरबाज कब तक चुप रहेंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।